हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 2 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. आप सभी के पास टेक्स्ट बुक है. यू कैन सी दिस चैप्टर इज गिवन, चैप्टर 2. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट गो थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. व्हाट इज गिवन हियर? फर्स्ट थिंग यू नो अबाउट एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन मीन्स द वैल्यू दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ expression, like x plus 5. So this is called expression. If I will write x plus 5 equal to 10, it means here I have put the equal sign. So this is called equation. Now equation word is clear, but the first word is linear. Linear means the power of x should be 1. Here I have written x square plus 5x plus 6 equal to 10. So the power of x is 2 here, means this is quadratic equation. So if I will write it like this, 5x plus 6 equal to 0. So that is called linear equation. Now, linear equation हम कैसे solve करते हैं? Suppose आपको दिया है x plus 1 equal to 8. आपको यहाँ पर x की value calculate करना है. So here variable should be x, y, z, a, b, c, d, p, q, r, s. कोई सा भी आप letter ले सकते हैं या जो भी आपको question में दिया हो. यहाँ पर दिया है x प्लस 1 इक्वल टू 8 और मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो एक मेथड होती है x प्लस 1 इक्वल टू 8. सी, यहाँ पर प्लस 1 दिया है. यदि मुझे इस प्लस 1 को ट्रांसपोज करना है या मुझे इस प्लस 1 को हटाना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? माइनस 1. यदि मैंने LHS साइड में माइनस 1 किया तो मुझे सेम RHS साइड पर भी करना पड़ेगा. मतलब प्लस 1 माइनस 1 इज 0. So here is only x, 8 minus 1 is 7. एक method होता है x plus 1 equal to 8, transpose method. ये आपने 7th standard में पढ़ा है. Transpose में क्या होता है? जो value दे रखी है उसके आगे कौन सा sign है? Plus का sign है. जब ये equal के उधर side जाएगा, transpose होगा, तो कौन सा हो जाएगा? Minus, मतलब 8 minus 1, so x equal to 7. ठीक है? अब सपोज एक और एग्जांपल देती हूँ मैं. 2x प्लस 5 इक्वल टू 10. ओके, अब यहाँ पर क्या दिया है? प्लस 5. सबसे पहले हम प्लस 5 को ट्रांसपोज करूँगे. सी द मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इजी एज कंपेयर टू दिस वन. सो आप हमेशा ये याद रखना कि प्लस यदि ट्रांसपोज होता है तो क्या होता है? माइनस. तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. 10 माइनस 5. So 10 minus 5 will be 5. अब x के साथ एक और वैल्यू क्या दे रखी है? 2. ये 2 किस में दिया है? मल्टीप्लीकेशन में. तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड में ले जाएंगे. हमेशा प्लस ट्रांसपोज होने पर क्या होता है? माइनस. माइनस ट्रांसपोज होने पर क्या होता है? प्लस. मल्टीप्लाई ट्रांसपोज होने पर डिवाइड, और डिवाइड ट्रांसपोज होने पर मल्टीप्लाई. ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा. सो इट विल बी 5/2. ठीक है, अब सपोज मैं एक माइनस का एग्जांपल लेती हूँ. 2x माइनस 3 इक्वल टू 14. सेम, यदि माइनस है तो क्या होगा? उधर जाने पर प्लस. ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस. सो इट विल बी 17. सो 2x इक्वल टू 17. अब 17 होने के बाद x के साथ एक और वैल्यू है 2. जब 2 आप ट्रांसपोज करोगे तो x इज इक्वल टू 17/2. यू कैन राइट दिस वैल्यू एज अ फ्रैक्शनल फॉर्म. ओके, सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. अब हम एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे.